हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे एक स्पेस मिशन है जिसका नाम है दोस्तों गाइया स्पेस मिशन, और साथ ही साथ हम लोग स्टार क्विक्स के बारे में भी देखने वाले हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। एक काफ़ी बड़ा मिशन है और जिसको लेकर आप कह सकते हैं एम सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों इस मिशन के। और स्टार क्विक्स क्या होते हैं, उससे कैसे ये रिलेटेड है, ये सब कुछ अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों जो है पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट वगैरह अगर हो रहा है आपको तो उसको क्लियर कीजिएगा हमसे पूछ के। हम लोग ज़रूर काम करेंगे उस पर और आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो वो बताइएगा। अब देखिए, अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है दोस्तों, काफ़ी सारे टॉपर्स हमें इस बार फिर अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। 22 जून से दोस्तों नए बैचेज स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और तो और दोस्तों, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ है आप लोग के लिए, जहाँ पे स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके आप लोग इसके बेनिफिट भी ले पाएंगे। करंट अफेयर है, उसकी मैगजीन दोस्तों वो आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप लोग उन्हें खरीद पाएंगे। 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये फ़ायदा आपको बहुत देगा। अब देखिए दोस्तों, गाइया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे रिसेंटली डिटेक्ट करे हैं काफ़ी सारे स्टार क्विक्स। अब दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं सुनामी की वजह से यहाँ पे हमें अर्थ क्विक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वैसा ही कुछ हमें स्पेस में भी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कह रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं जिसे ऑब्जर्व करा गया है बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उन्होंने उसका नाम दिया गया है स्टार क्विक्स का। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्पेस मिशन है इसे लॉन्च करा गया 2013 के अंदर, और इसका काम था कि ये स्टडी करे मिल्की वे को। जो मिशन है दोस्तों, ये यहाँ पे क्रिएट करा मैप ऑफ गैलेक्सी पूरे तरीके से, और इसने रिवील करे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टार से लेके, केमिकल कंपोजिशन से लेके, जिसके अंदर आपका कलर हो जाता है, टेम्परेचर, एज, ब्राइटनेस जो लेवल है स्टार की वो, ये सब बताया। साथ ही दोस्तों, इसने ये भी रिवील करा कि जो लार्जेस्ट केमिकल मैप है मिल्की वे गैलेक्सी का, उसको उनके साथ साथ जो 3D मोशन है हमारे सोलर नेबरहुड के, उसको जो सिमिलर गैलेक्सीज हैं इनके बारे में। तो आप कह सकते हैं जो गाइया स्पेस मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसने हम तक पहुँचाई है। अब यहाँ पर जो स्टार क्विक स्पॉट करा गया है उसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, गाइस मिशन आप कह सकते हैं स्पेस मिशन ने स्पॉट करा एक लार्ज स्केल की टी सुनामी, सुनामी कह सकते हैं आप लोग, तो जिसको स्टार क्विक्स के नाम से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार का साइज शेप था वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। मिशन ने यहाँ पे ट्रैक करा एक रेडियल ऑक्सीलेशन जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल था फॉर स्विलिंग और श्रिंकिंग ऑफ स्टार्स, और वो उस तरीके से आप कह सकते हैं वहाँ पर उसने मेंटेन करा अपने शेप को। स्टार क्विक्स दोस्तों काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें स्टार्स के बारे में, और साथ साथ उनकी जो इंटरनल वर्किंग है इसके बारे में भी, तो इसीलिए इसकी स्टडी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे स्टार्टलिंग जो रिवॉल्यूशन है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, गाइया स्पेस मिशन ने आप कह सकते हैं कि बताया कि काफ़ी सारे स्टार जो हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर वो कंपोज हैं प्रीमोडियल मटेरियल के साथ। काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे भी आप कह सकते हैं कंपोज हैं जिनके अंदर जो प्रीवियस जनरेशन के स्टार हैं उनका कुछ मटेरियल मिला हुआ है। तो ये जो डेटा हमें मिला है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं रिलीज हुआ है, ये 3 नए और इम्प्रूव डिटेल्स हैं गैलेक्सी को लेके। लार्जेस्ट जो कैटलॉग है दोस्तों अभी तक बाइनरी स्टार्स का, वो हमें देखने को मिला है, और थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए, मून्स वगैरह हो गए, ये सारा डेटा भी हमें देखने को मिला है। अभी बात करते हैं कि स्टार क्विक्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्टार क्विक्स ऐसे छोटे छोटे मोशंस होते हैं स्टार के सरफेस पे, जो कि उसके जो स्टार है उसके जो शेप है उसका जो उसको चेंज करने में मदद करता है। बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कुछ ऐसे छोटे मोशंस जो कि किसी स्टार का जो शेप है इसको चेंज कर दे, ओके? तो हम उसे कह देंगे कि भाई वहाँ पर हमें स्टार क्विक्स देखने को मिला है। अभी गाइया के बारे में बात करते हैं, तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि आप कह सकते हैं ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। इसे दोस्तों लॉन्च करा गया 2013 में, और ये ऑपरेट होगा दोस्तों 2025 तक, उसके बाद नहीं होगा, रिटायर कर दिया जाएगा इसको। इसको डिज़ाइन कराया गया दोस्तों एस्ट्रोमेट्री के लिए। और एक और बात, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे काम है जैसे कि पोजिशन, मोशंस, डिस्टेंस स्टार की, ये सब जो कि आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन रहता है उसके बारे में बताया। अगर एम की बात करते हैं तो इसका एम ये था कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करें लार्जेस्ट और मोस्ट प्रीसियस 3D स्पेस कैटलॉग को। टोटल दोस्तों यहाँ पे लगभग 1 बिलियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपके स्टार्स हो गए,
कमेट्स हो गए, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ओके, क्वासर्स हो गए, ये सब इंक्लूड हैं। और इन सभी के बारे में आप कह सकते हैं गाया ने पूरे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें प्रोवाइड करी है। तो हमारे लिए तो दोस्तों ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मिल्की वे के बारे में बात करते हैं तो हमारी गैलेक्सी है, ओके, जिसके अंदर हमारा आप कह सकते हैं सोलर सिस्टम आता है, ओके। एक और बात, ये डिस्क्राइब करता है हमारे जो अपीयरेंस है अर्थ की उससे भी। साथ ही दोस्तों मिल्की वे जो है अपीयर होता है एज अ बैंड फ्रॉम अर्थ, ओके, क्योंकि एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर है गैलेक्सी का और वो देखने को हम लोग उसके अंदर से देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलता भी है। तो ये है बात मिल्की वे के बारे में, ओके दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो है चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर डाउट है आपका अभी तो उसको पूछिए मुझसे, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है। आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए कि अगली वीडियो आपको इस पर चाहिए या फिर ऐसा कोर्स लाएँ तो उसके बारे में बताइए, सब कुछ बताइए। हम लोग आपका जो कहना होगा उसी पर काम करेंगे और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।